नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत कोचिंग सीकर के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको समय समय पर लाइब्रेरी साइंस यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो स्टडी मटेरियल है वो समय समय पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको भली प्रकार से वो स्टडी मटेरियल अच्छा समझ में आ रहा है, भली प्रकार से आप उसको पढ़ पा रहे हो, वहां से कुछ ना कुछ आप सीख पा रहे हो। हर चीज यहाँ से छोटी बात जो है दोस्तों वो डीपली तरीके से आपको बताई जा रही है। तो आज के सेशन में भी हम एक नए टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। इसी के तीन चार पार्ट की हम बात करेंगे और उन तीन चार पार्ट में दोस्तों नया जो सीखने को मिलने वाला है उसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। नया आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफला। इफला के बारे में जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ जानते हैं यहाँ से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें भी यहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई बातें जानने को मिलेगी, अपडेट जानकारी यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इफला के बारे में। देखिए, इफला क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कहाँ होती है, किस प्रकार स्थापना होती है, कौन स्थापना करता है, इसके अलावा कौन कौन से इसके पब्लिकेशन है, कौन कौन से इसके प्रोग्राम्स है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, प्रथम कौन था, ये सारी बातें हम कहां से यहां से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए मिलते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और आज हम बात करेंगे इफला से रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान होना चाहिए कि इफला की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों उस समय इसका नाम कुछ और था, बाद में यानी कि वर्तमान समय में इसका नामकरण कुछ और है। साथ ही इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहीं और था और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहीं और है। ये सारी बातें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नामकरण की। तो सबसे पहले मैं इसका नाम आपको बता दूं कि इसका जो वर्तमान समय में जो नाम है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, फुल फॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये प्रश्न यहां से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इफला की फुल फॉर्म क्या है, इफला का वर्तमान समय में पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित गैर लाभकारी और गैर सरकारी क्या है दोस्तों, एक संगठन है जो कि पुस्तकालयों को विकसित करने का कार्य करता है, पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित गैर लाभकारी स्थापित क्या गैर लाभकारी और गैर सरकारी क्या है दोस्तों संगठन है, गैर लाभकारी व गैर सरकारी संगठन है। ध्यान रखना है यहां से आपको बिल्कुल बारीकी से कि ये क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसकी स्थापना से रिलेटेड, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कहां और किस प्रकार की जाती है, कब की जाती है, सारी बातें हम यहां से शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये बात है 1927 की। कब की? 1927 की। 1927 में एले की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। एले पिछली क्लास के माध्यम से बता चुका हूं, एले बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है दोस्तों इसकी 50वीं वर्षगांठ यानी कि इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस स्थापना दिवस के अंतर्गत दोस्तों अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष, ब्रिटेन के पुस्तकालय अध्यक्ष, इसके साथ ही 14 अन्य यूरोपीय देशों के
14 अन्य यूरोपीय देशों के जो पुस्तकालय अध्यक्ष है दोस्तों वो रहते हैं यहाँ पर मौजूद इस सम्मेलन में या इस वर्षगांठ में या इस पर स्थापना दिवस में। देखिए एहले की जो स्थापना है दोस्तों वो कब होती है, तो ये 1877 में होती है और इसका स्थापना दिवस जो है वो सन 1927 में मनाया जाता है। इसका 50वां स्थापना दिवस रहता है। ये इस 50वें स्थापना दिवस के फलस्वरूप अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष, ब्रिटेन के पुस्तकालय अध्यक्ष, साथ ही साथ 14 अन्य जो यूरोपीय देश है उनके पुस्तकालय अध्यक्ष मिलकर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं और उस प्रस्ताव के फलस्वरूप दोस्तों किसकी स्थापना की जाती है, तो आपके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है एहले की 50वीं वर्षगांठ के फलस्वरूप किस संघ की, किस संगठन की स्थापना होती है, तो आपको ध्यान रखना है इफ्ला की स्थापना होती है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, यह क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित गैर लाभकारी संगठन है। साथ ही साथ दोस्तों ये क्या कार्य करता है दोस्तों, तो ये पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाने तथा पुस्तकालय संघों को सहयोग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाने, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाने, सूचना सेवाओं को बढ़ाने, सेवाओं को बढ़ाने, साथ ही पुस्तकालय संघों को सहयोग प्रदान करने का कार्य करता है। किसको, पुस्तकालय संघों को, पुस्तकालय संघों को सहयोग प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा, इस इफ्ला के द्वारा किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए साथ ही साथ ये और क्या कार्य करता है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण करने का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, मानकों का निर्धारण करता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो होते हैं दोस्तों उनको निर्धारित करने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, मानकों को निर्धारित करने का कार्य। ये भी कौन करता है दोस्तों, ये भी प्रमुख कार्य किसका है, आपके इफ्ला का है। तो यहां से दो तीन बातें छोटी छोटी जो हमने शुरू की है वो है इफ्ला सबसे पहले, और इफ्ला में हमने बात की है इफ्ला की फुल फॉर्म की, तो इफ्ला की फुल फॉर्म यहां से हो जाएगी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहां से कि इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो एहले की 50वीं वर्षगांठ के फलस्वरूप की जाती है, जिसमें अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष, ब्रिटेन के पुस्तकालय अध्यक्ष और 14 अन्य यूरोपीय देशों के जो लाइब्रेरियंस है दोस्तों वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये क्या करते हैं, एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं, उस हस्ताक्षर के फलस्वरूप किसकी स्थापना मान ली जाती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना मान ली जाती है। साथ ही साथ इफ्ला क्या है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक गैर लाभकारी और एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो क्या कार्य करता है, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाने का कार्य करता है, साथ ही साथ पुस्तकालय संघों को सहयोग प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के निर्धारण का कार्य भी करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना से रिलेटेड, अभी इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो स्थापना कब और कहाँ की जाती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो स्थापना की मैं बात करूं यहां से, तो 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, स्थापना कहां होती है ये आपको ध्यान रखना है यहां से, इसकी स्थापना जो है वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में की जाती है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना कर दी जाती है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। यहां तक क्लियर है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में किसकी स्थापना होती है दोस्तों, तो आपकी स्थापना होती है इफ्ला की। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। इसके साथ ही दोस्तों इसकी स्थापना से रिलेटेड ये हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसके नामकरण से रिलेटेड। अब देखिए यहां से आपके सामने एक प्रश्न आता है, जब इसकी स्थापना होती है तो स्थापना के समय इसका नाम क्या था, स्थापना के समय नाम इसका कुछ और था और वर्तमान समय में इसका नामकरण जो है वो कुछ और है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना के समय की, स्थापना के समय इसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था, IFLA, यानी कि इसकी फुल फॉर्म उस टाइम क्या थी, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसकी क्या थी दोस्तों, स्थापना के समय इसका पूरा नाम था या फिर इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें यहां से, वर्तमान समय की कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका जो नाम है दोस्तों उसकी हम बात करेंगे वर्तमान समय की, तो वर्तमान में इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, एंड क्या हो गया दोस्तों इंस्टीट्यूशन, एंड इंस्टीट्यूशन ये नाम दिया गया था दोस्तों। इसको किस वर्ष ये नाम प्रदान किया गया था, ये भी आपको यहां से ध्यान रखने वाली बात है। ये जो नाम इसको प्रदान किया गया था दोस्तों, यानी कि स्थापना के समय इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेकिन वर्तमान समय में इसका नामकरण क्या है दोस्तों, वर्तमान समय में इसका नामकरण है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि इसमें क्या चेंजेज हुआ है, केवल ये इंस्टीट्यूशन शब्द जो है दोस्तों ये यहां पर एड कर दिया गया है। और ये नामकरण का जो कार्यक्रम है दोस्तों, किस वर्ष इसका नाम बदल दिया गया था, तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है, सन 1971 में इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था। कब परिवर्तित किया गया, 1971 में, क्या है 1971 में नहीं, यहां से आपको ध्यान रखना है 1976 की, ठीक है, 1976 में ये नाम इसका परिवर्तित किया गया था, सन 1976 में, 1976 की बात है। क्या शब्द नया जोड़ा गया इसमें, ये इंस्टीट्यूशन जो शब्द है दोस्तों ये इसमें ऐड कर दिया गया था 1976 में, नया जो जिसमें नामकरण दिया गया था उसमें केवल और केवल इंस्टीट्यूशन शब्द ऐड किया गया था। और ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि इफला के नामकरण में, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये इंस्टीट्यूशन शब्द किस वर्ष इसमें जोड़ा गया था, इसके किस वर्ष इसमें मेंशन किया गया था, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। आगे देखिए हम बात करते हैं, इसके नामकरण से रिलेटेड हमारी बात हो गई, नया नाम इसे प्रदान कर दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इसके अन्य नाम के बारे में। अब देखिए अन्य नाम के बारे में भी मैं बता दूं यहां से, किसको कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नामकरण की अगर मैं बात करूंगा अन्य यहां से अन्य नाम के बारे में, तो यहां से आपको सामने आएगा दोस्तों कि इसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ के नाम से भी जाना जाता है। इफला जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ के नाम से भी जाना जाता है, पुस्तकालय महासंघ के नाम से भी जाना जाता है, महासंघ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि दुनिया के 150 देशों में, दुनिया के 150 देशों में, 150 देशों में लगभग 150 देशों में लगभग इसके क्या है दोस्तों, लगभग इसके 1600 संघ सदस्य है, 1600 क्या है भाई, संघ सदस्य हैं इसके, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की संज्ञा भी दी गई है, किसको, इफला को। तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो इफला को जाना जाता है। आगे मैं यहां से बात करूंगा भारत के संदर्भ में, क्या भारत भी इसका सदस्य है, अगर है तो वो भारत इसका सदस्य किस वर्ष से बनता है, यानी कि भारत इफला की सदस्यता कब ग्रहण करता है, साथ ही किस रूप में भारत इफला की सदस्यता ग्रहण करता है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संदर्भ में मैं बात करूंगा यहां से, भारत की बात करूं दोस्तों यहां से, भारत तो दोस्तों भारत के बारे में बता दूं यहां से, भारत जो है वो इफला का सदस्य, इफला का सदस्य जो है वो सन 1957 में बनता है, इफला का सदस्य कब बनता है तो 1957 में बनता है, 1957 में बनता है, साथ ही साथ 1957 में इसका सदस्य बन जाता है। लेकिन किस रूप में इसकी सदस्यता ग्रहण करता है दोस्तों, तो भारत इसका सदस्य आईएलए के रूप में बनता है, किस रूप में, आईएलए के रूप में इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। आईएलए बोले तो दोस्तों, आईएलए बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में क्या बनता है दोस्तों,
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में भारत इफला का सदस्य बन जाता है कब? तो 1957 में इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? भारत ग्रहण करता है। तो यहां से यह प्रश्न भी पूछा गया है, भारत इफला का सदस्य किस वर्ष बनता है, भारत इफला की सदस्यता किस वर्ष ग्रहण करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए हम बात करते हैं इफला के प्रथम अध्यक्ष की, इफला के वर्तमान अध्यक्ष की, साथ ही साथ इफला के पूर्व अध्यक्ष की। तो इफला का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था और कब बनाया गया था, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है। तो इफला के प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूंगा यहां से, इफला का प्रथम अध्यक्ष और इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष की बात करूंगा, प्रथम अध्यक्ष और ये प्रथम अध्यक्ष जो है दोस्तों इसहाक कोलिजन को बनाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? इसहाक कोलिजन को। इसहाक कोलिजन नामक जो व्यक्ति है दोस्तों ये क्या बन जाते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष बन जाते हैं, इसहाक कोलिजन। इसहाक कोलिजन इसके अध्यक्ष बन तो गए लेकिन इनका कार्यकाल क्या था दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था सन 1927 से लेकर सन 1931 तक, यानी कि 1927 to 31 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। 1927 से 31 तक ये इस पद पर कार्य करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां से वर्तमान अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष में दोस्तों किसका नाम सामने आता है वो भी आपको बेहद जरूरी याद रखना है। तो वर्तमान अध्यक्ष में नाम आता है बारबरा लिसन का। बारबरा लिसन नामक जो व्यक्ति है वो क्या है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है बारबरा लिसन। वर्तमान अध्यक्ष की बात करूंगा यहां से, नाम आता है बारबरा लिसन, बारबरा लिसन। ये बारबरा लिसन क्या है दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। बारबरा लिसन इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। सन 2021 में ये सदस्यता इसके अध्यक्ष बनते हैं 2021 में, और कब तक, तो 2023 तक इस पद पर ये कार्यरत रहते हैं। आगे दोस्तों आपको पूछा जा सकता है बारबरा लिसन से पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, तो बारबरा लिसन से पूर्व इसका अध्यक्ष क्रिस्टियन मैकेंजी थी। कौन थी? क्रिस्टियन मैकेंजी, क्रिस्टियन मैकेंजी, क्रिस्टियन मैकेंजी नामक जो महिला है वो क्या थी दोस्तों, इसकी अध्यक्षिका थी, क्रिस्टियन मैकेंजी, क्रिस्टियन मैकेंजी इसकी अध्यक्षिका रहती हैं। दोस्तों कब से कब तक इसका अध्यक्ष रहती है क्रिस्टियन मैकेंजी, तो यहां से आपको ध्यान रखना है सन 2019 से लेकर 2021 तक इस पद पर क्या रहती है भाई, ये कार्यरत रहती है। प्रथम अध्यक्ष की हमने बात की, इसहाक कोलिजन नामक व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष। दूसरा इसका अध्यक्ष यानी कि वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूं यहां से, तो वर्तमान अध्यक्ष है बारबरा लिसन, जो कि सन 2021 से 23 तक इस पद पर क्या रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। साथ ही साथ मैंने बात की यहां से इस वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, तो बारबरा लिसन नामक जो व्यक्ति है वो क्या रहते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व इसका क्या रहते हैं भाई, क्रिस्टियन मैकेंजी इसके वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष रहते हैं क्रिस्टियन मैकेंजी, बारबरा लिसन इसके क्या रहते हैं, वर्तमान अध्यक्ष है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके प्रथम महासचिव की, साथ ही हम बात करेंगे इसके वर्तमान महासचिव की, और बात करेंगे इसके पूर्व महासचिव की। तो वर्तमान और प्रथम की बात हम यहां से पहले कर लेंगे। प्रथम महासचिव इसका किसे बनाया जाता है दोस्तों, तो प्रथम महासचिव में आपको ध्यान रखना है प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव में नाम आता है दोस्तों हेनरिक उद्धेल। हेनरिक उद्धेल क्या बनते हैं, इसके प्रथम महासचिव बनते हैं। हेनरिक उल्हेल जो है दोस्तों वो क्या बनते हैं, इसके प्रथम महासचिव बनते हैं। कब से कब तक इस पद पर रहते हैं दोस्तों, तो सन 1928 से 1929 तक, 1928 to 1929 इस पद पर क्या रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। आपको ध्यान रखना है वर्तमान महासचिव कौन है, तो उसके बारे में भी हम यहां से क्या कर लेंगे भाई, चर्चा कर लेंगे वर्तमान महासचिव की। वर्तमान महासचिव में आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों क्या, हेलो लॉन्चर, हेलो लॉन्चर नामक जो व्यक्ति है दोस्तों वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। टाइमिंग पीरियड की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से, सन 2022 में इसके क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं हेलो लॉन्चर के नाम से। हेलो लॉन्चर ये क्या है, हेलो लॉन्चर इसके वर्तमान महासचिव है। कब से कब तक, 2022 से लेकर वर्तमान समय तक ये इस पद पर कार्यरत है। साथ ही साथ में बात करूं
हेलो लेंचर से पूर्व इसका अध्यक्ष महासचिव कौन था? हेलो लेंचर से पूर्व आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गेराल्ड लिटनर नामक व्यक्ति इसका क्या था भाई? महासचिव था, गेराल्ड लिटनर। गेराल्ड लिटनर क्या बन जाते हैं इसके महासचिव रहते हैं कब? वर्तमान यानी कि हेलो लेंचर से पूर्व इसके महासचिव कौन रहते हैं? तो गेराल्ड लिटनर रहते हैं, जिनका कार्यकाल सन 2016 से लेकर 2022 तक रहता है। 2016 से 1916 to 2022, 2022 तक इस पद पर कार्यरत रहते हैं। कौन रहते हैं? तो गेराल्ड लिटनर नामक व्यक्ति इस पद पर कार्यरत रहते हैं। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले महासचिव की बात की, यहां से प्रथम महासचिव की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से, तो प्रथम महासचिव में नाम आता है आपका हेनरिक उलहेल। हेनरिक उलहेल कब से कब तक इसके महासचिव रहते हैं दोस्तों? 1928 से 1929। इसके साथ ही वर्तमान महासचिव की बात करें तो वर्तमान महासचिव में नाम आता है हेलो लॉन्चर। 2022 से वर्तमान समय तक इसके क्या रहते हैं भाई? इसके महासचिव रहते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हेलो लॉन्चर से पूर्व इसका महासचिव किसे बनाया जाता है? तो गेराल्ड लिटनर नामक व्यक्ति को इसका महासचिव बना दिया जाता है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इफ्ला से रिलेटेड, और आगे की जो बात करूंगा दोस्तों उसमें देखो बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग चीज यहां से सामने आने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा यहां से, आपने नाम सुना होगा ब्लू सेल्स का, आपने नाम सुना होगा ब्लू सेल्स का, ब्लू सेल्स, ब्लू शील्ड क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इफ्ला जो है वो इस ब्लू शील्ड का संस्थापक सदस्य है। क्या है? इसका संस्थापक सदस्य है कौन? इफ्ला संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य है कौन है दोस्तों? तो इफ्ला इसका क्या है? संस्थापक सदस्य, यानी कि इसकी जो स्थापना की जाती है वो इफ्ला और यूनेस्को के सहयोग से की जाती है, इफ्ला प्लस यूनेस्को ये इसकी स्थापना करते हैं। स्थापना कब की जाती है? तो 1996 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। और किसके सहयोग से की जाती है दोस्तों? तो ये इफ्ला और यूनेस्को के सहयोग से की जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? अब इसकी स्थापना तो कर दी गई, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। मुख्यालय की अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसका मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है भाई? नीदरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। ये तो बात हो गई ब्लू सेल्स की, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए ब्लू सेल्स एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों जब भी कोई युद्ध होता है या प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने का जो कार्य है वो कौन करता है? ये ब्लू सेल्स करता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ये ब्लू सेल्स क्या कार्य करता है? तो युद्धों या फिर प्राकृतिक आपदा के दौरान सांस्कृतिक विरासतों की क्या करना? सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करने का जो कार्य है, या सुरक्षा करने की, विरासत की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है दोस्तों वो किसकी होती है? तो इसी ब्लू सील्स की होती है। ठीक है, यहां से ब्लू सील्स का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, तो आपको ध्यान रखना है इफ्ला क्या है? इस ब्लू सील्स का संस्थापक सदस्य है। साथ ही साथ इसकी स्थापना करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है? इफ्ला और यूनेस्को का। स्थापना किस वर्ष की जाती है? 1996 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय रखा जाता है दोस्तों नीदरलैंड में, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय रख दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो यहां से एक नाम आता है पीटर जी स्टोन। इसके अध्यक्ष की बात करूं ब्लू सेल्स की, तो इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यहां से आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष है दोस्तों पीटर जी स्टोन। ये क्या है भाई? इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हम इसी क्लास, इसी इफ्ला की क्लास में करेंगे। यहां से ढेर सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी, लगभग 4 पार्ट इस वीडियो क्लास के रहेंगे, यानी कि इफ्ला से रिलेटेड कितने पार्ट्स? लगभग 4 पार्ट्स रहेंगे। एक बार पुनः रिवाइज करते हुए चलेंगे इसका,
सबसे पहले हमने बात की यहां से इफ्ला की। इफ्ला की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है। स्थापना कब और कहां होती है दोस्तों? स्थापना होती है एलए की 50वीं वर्षगांठ के दौरान या फिर एलए की 50वें स्थापना दिवस के दौरान। ठीक है, स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका की अगर मैं बात करूं यहां से तो अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष, ब्रिटेन के पुस्तकालय अध्यक्ष, साथ ही 14 यूरोपीय देशों के पुस्तकालय अध्यक्ष एक प्रारूप पर हस्ताक्षर करते हैं, एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके फलस्वरूप किसकी स्थापना होती है? जिसके फलस्वरूप स्थापना होती है आपके इफ्ला की। साथ ही दोस्तों हमने बात की यहां से इफ्ला जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित क्या है दोस्तों? एक गैर लाभकारी और एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो क्या कार्य करता है? पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को बढ़ाने का कार्य करता है, पुस्तकालय संघों को सहयोग प्रदान करने का कार्य करता है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अब आगे हमने बात कर ली इसकी स्थापना की, 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। स्थापना कहां की जाती है? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, यानी कि स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहां रहता है? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में रहता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों वर्तमान समय की बात करूं, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है यहां से इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। हैग नीदरलैंड में इसका क्या है दोस्तों? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। ये मुख्यालय किस वर्ष स्थापित किया जाता है? तो ये 1971 में स्थापित किया जाता है, यानी कि एडिनबर्ग से कहां लाया जाता है? हैग नीदरलैंड में लाया जाता है। साथ ही साथ हमने बात की यहां से दोस्तों इसके नामकरण की। इसके नामकरण में भी मैं आपको बता चुका हूं, जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो नामकरण है वो बदल दिया जाता है। बदलने का जो कार्य है वो सन 1976 में किया जाता है। नया नाम इसे दिया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहां तक सही है। उसके बाद में इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ के नाम से जाना जाता है। और ये नाम इसे क्यों दिया गया? क्योंकि दुनिया के 150 देशों में लगभग 1600 संघ सदस्य इसके अभी वर्तमान समय में मौजूद है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय महासंघ के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है इफ्ला भारत का सदस्य किस वर्ष बनता है? तो 1957 में इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। भारत किस रूप में इसका सदस्य बनता है? तो ये आईएलए के रूप में, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ के रूप में इसकी सदस्यता ग्रहण करता है। भारतीय पुस्तकालय संघ वही है दोस्तों जिसकी स्थापना सन 1933 में कर दी जाती है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आईएलए की स्थापना 1933 में होती है। कहां इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। इसके साथ ही हमने बात कर ली थी यहां से आगे की ओर। आगे हमने बात की इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो इसाक कोलिजन इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कार्यकाल की मैं बात करूं यहां से सन 1931 से लेकर 33 तक इस पद पर क्या रहते हैं भाई? कार्यरत रहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की मैंने यहां से बात की, वर्तमान अध्यक्ष बारबरा लिसन नामक व्यक्ति को बनाया गया है। वर्तमान अध्यक्ष का अगर कार्यकाल की बात करें तो 2021 से लेकर 2023 तक वो इस पद पर क्या रहेंगे भाई? कार्यरत रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमने बात की बारबरा लिसन से पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, तो उनकी बारे में भी मैं बता चुका हूं, क्रिस्टिन मैकेंजी नामक जो व्यक्ति है, जो महिला है, वो इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं, जिनका कार्यकाल 2019 से 21 तक का रहता है। वर्तमान महासचिव की अगर मैं बात करूं यहां से, एक तो हेनरी उल्हेल जो नामक व्यक्ति है 1928 से 29 तक केवल एक वर्ष के लिए इसके महासचिव बनते हैं और इसके प्रथम महासचिव रहते हैं। ठीक है, वर्तमान महासचिव की बात करें तो हेलो लॉन्चर नामक व्यक्ति इसके वर्तमान महासचिव है, कार्यकाल 2022 से वर्तमान समय तक। तीसरी बात हमने यहां से की, हेलो लॉन्चर से पूर्व इसका महासचिव कौन है दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है गेराल्ड लिटनर नामक जो व्यक्ति है, ये इसके महासचिव रहते हैं। ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारी अप टू डेट बातें हैं, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने बात की यहां से ब्लू शील्ड्स की। देखिए ब्लू शील्ड्स क्या है? तो ब्लू शील्ड्स जब भी कभी युद्ध होता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सांस्कृतिक जो विरासत है उसे सुरक्षा प्रदान करने का, उसे बचाने का जो कार्य है वो ब्लू शील्ड्स करती है। ब्लू शील्ड्स का संस्थापक सदस्य है इफ्ला। इफ्ला के साथ उसमें यूनेस्को की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। साथ ही साथ हमने बात की ब्लू शील्ड्स की स्थापना 1996 में की गई थी, मुख्यालय नीदरलैंड में रखा गया था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटर जी स्टोन नामक जो व्यक्ति है वो क्या है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है।
तो ये थी छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें जोड़ के ही दोस्तों क्या होती है, बड़ी बातें होती है। तो एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए, आप देखिए इसे, आप समझिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही नए नए वीडियोस के माध्यम से आपको फिर से अवगत रहेंगे, आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए वीडियोस के नए पार्ट्स के माध्यम से आप फिर से आते रहेंगे, जैसे कि इसके लगभग 4 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से 4 पार्ट्स में ढेर सारी बातें करेंगे ऐसे ही कुछ एक समय के अंदर। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।